हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़। में आपका स्वागत है। आपको मैंने बताया था लास्ट अभी हमारा शूट 34 में हुआ था। देखो मैं आपको आज हम खड़े हैं 29D3। ये सामने दिखाओ ज़रा, थोड़ा क्लोजअप में दिखाओ। पॉकेट D3 सेक्टर 29 रोहिणी। मेरा एम आपको सारे सेक्टर्स की नॉलेज देना, क्योंकि देखो जैसे हम अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो किसी को कोई पर्टिकुलर फ्रूट पसंद है, किसी को दूसरा फ्रूट पसंद है, तो सबकी लाइकिंग, या फिर अगर हम बात करें किसी को गुड़गावा पसंद है, किसी को नोएडा पसंद है, किसी को रोहिणी पसंद है, तो हर इंसान की एक लाइकिंग अलग अलग होती है। इसलिए मेरा एम आपको आज के बाद या पहले भी यही था कि सारे सेक्टर्स की इक्वल नॉलेज देना। हो सकते किसी को 34 पसंद ना हो, 29 पसंद हो, तो उसको ऑप्शन देने जा रहे हैं, वाइड ऑप्शंस के, हर सेक्टर की इक्वल नॉलेज, जहां उसको पसंद हो वहां ले ले। 34 को छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा सेल परचेज जो हमने अभी तक किया वो 34 में किया है, और उसको हमने राइज किया। आज उसके रेट स्टॉप मोस्ट 9 मीटर रोड पे भी 51-50 लाख तक रेट आने वाले हैं आगे आगे वाले प्लॉट्स के, तो उसको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। उसके लिए मैं हमेशा रेगुलर शूट्स कर रहा हूँ। आज हम खड़े हैं नॉलेज देने के लिए कि 29 सेक्टर में भी एक बहुत अच्छा प्लेस, थोड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके कि आने वाले टाइम, बट डीडीए की एक थोड़ी सी कमी जो कि 29 के डीलर्स मिलके पूरी कर सकते हैं। अगर सारा 29 के डीलर्स मिल जाए तो मुझे थोड़ा D1 D2 D3 पॉकेट्स में, जब मैं आया यहाँ पे तो थोड़ा सा कई लोगों ने मुझसे परचेजिंग भी, तो कुछ अच्छा फैक्टर लगा, क्योंकि यहाँ सामने अगर आप देखें तो रोहिणी हाइट्स फ्लैट्स हैं, वो देखिए। मैं आज आपको इस एरिया की नॉलेज देने जा रहा हूँ। रोहिणी हाइट्स सामने LIG के फ्लैट्स हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में LIG MIG की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ भी और आएंगी। ये जो रोहिणी हाइट है, ये DDA का डीम, दिखाओ जरा, ये एक बार दिखाओ। ये रोहिणी हाइट्स जो है वो DDA का डीम प्रोजेक्ट था, और हम आज इसके पीछे खड़े हैं। इसके आगे की तरफ बात करें तो डेवलपमेंट आ चुकी है। अगर हम इसके आगे की तरफ जाएं, रोहिणी हाइट के सामने की तरफ, तो फुल फ्लैश D3 पॉकेट आती है 29 की, जहां पे कि फुल फ्लैश डेवलपमेंट एट दिस टाइम स्टार्ट हो चुकी है। उसका शूट भी हमारा रहेगा। मैं आपको 29 के हर सेक्टर का आपको अलग अलग शूट बताने जा रहा हूँ नॉलेज देने के लिए, या फिर जिन लोगों का 29 में प्लॉट है D1 D2 D3 में, वो भी अपने घर बैठ के अपने क्या चेंज हुआ है यहाँ या नहीं हुआ उसके बारे में जान सकते हैं। पर एक मुझे बड़ा दुख है यहाँ पे कि 29 के डीलर्स इन पॉकेट की सफाई नहीं करा रहे। अगर यहाँ की सफाई हो जाए बहुत अच्छे से, तो जो लोग अपने घर की लोकेशन या प्लॉट की लोकेशन पे आना चाह रहे हैं वो आराम से इसको विज़िट कर सकते हैं। तो इसकी खासियत मुझे एक और लगी कि यहाँ पे आने वाले टाइम में रोहिणी हाइट के साथ साथ पीछे भी एक ग्रुप हाउसिंग और आनी है, HIG और MIG भी आएगा, और यहाँ पे एक और सोसाइटी GH3 D2 के सामने भी एक और सोसाइटी आने वाली है। वो कब आएगी ये तो अभी DDA ने कंफर्म नहीं किया, पर स्पेस छोड़ा हुआ है, तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ आएंगी। जिस दिन आने वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद, इस लैंड का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा एट दैट टाइम। मेरा एम नॉलेज देना है, परचेजिंग कहाँ करनी है वो आपको देखना है। मेरा एम हर सेक्टर का, चाहे वो 35 हो, चाहे नॉलेज देना, प्राइस अपडेट करना, परचेजिंग कहाँ करनी है वो आपको देखना है। बट मेरा मानना है कि 34 में, क्योंकि बहुत मेहनत की, वो बहुत अच्छा लगा, पर कईयों का इंटरेस्ट D1 D2 D3 में भी है, जिसका इंटरेस्ट जो है वहाँ पे परचेजिंग करे। तो मैं आपको आज नॉलेज देने के लिए 29 का प्राइस अपडेट भी होगा आज, D1 D2 D3 का, प्लस अलॉन्ग विद मेरा लाइव शूट है यहाँ पे आज, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका मन, क्योंकि 29 सेक्टर भी अगर हम लोकेशन वाइज देखें, जैसे मैंने 30C1 की लोकेशन आपको बताई, मुझे अच्छा लगा 30C1, 30A1, सेम 29 का D1 D2 D3 में आज रेट कम है काफ़ी,
अगर हम 34 से भी कंपेयर करें, और लोकेशन भी इतनी बुरी नहीं है क्योंकि बिल्कुल एंट्री करते ही आपकी तीनों पॉकेट हैं, D1, D2, D3। आज हम D3 पे खड़े हैं, थोड़े दिन बाद आपको D2 और D1 भी दिखाऊंगा। बुरा नहीं है, लोकेशन वाइज अच्छा है, क्योंकि अब पर्सन 34 में जब प्लॉट ही आने बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो प्लॉट लेना है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आज का प्राइस अपडेट दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको 32 मीटर का प्लॉट इजीली आपको सही रेटों में 40 के नियर बाय मिल जाता है, 40-41 लाख तक मिल जाता है। और अगर हम बात करें 26 मीटर का प्लॉट, वो भी आपको 30s की रेंज में मिल जाता है इजीली। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनके नंबर्स आपको शेयर करूँगा। 40 और मैं आपको बता दूँ 32 मीटर के अलग अलग हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तब मिलेगा, नहीं तो 42-43 तक आपको पार्क फेसिंग प्लॉट भी यहाँ पे मिल जाता है, 43-44 तक पार्क फेसिंग प्लॉट भी मिल जाता है। तो यही पार्क फेसिंग अभी हम 34 में जाएँ तो थोड़ा कॉस्टली हो चुका है। तो जिनका थोड़ा बजट कम है और उनका सपना है एक प्लॉट लेने का, तो 29 D3 D2 D1 यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। और इसकी इन्वेंट्रीज अब मेरे पास आ चुकी है, पहले मैं मना कर देता था कि हाँ मैं डील ही नहीं करता, पर अब क्योंकि हमने डीलिंग सारे सेक्टर्स में इक्वल करना शुरू कर दिया, उसके पीछे स्टाफ भी है जो कि मैं जैसे आपकी कॉल आती है कई बार मैं आपको नंबर फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, तो स्टाफ है जो कि आपको प्लॉट नंबर लोकेशन विजिट भी कराया करेगा। सो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो और 29 सेक्टर में D1, D2, D3 पॉकेट्स पे आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको आना। सो इसमें कोई कॉलोनी नहीं है, खास कर सबसे मेन पॉइंट है, मैं प्रमोट करने का मेन रीज़न था कॉलोनी ना अटैच होना। मैं 30 सीटों को और 30 एटों को थोड़ा सा प्रिवेंशन कॉलोनी के कारण करता था, बट यहाँ मुझे फील हुआ कि कोई कॉलोनी नहीं है और खुली रोड्स हैं। और लोकेशन आप देख लो जो दिखाया जा रहा है आपको सामने, आने वाले टाइम में जब ग्रुप हाउसिंग बन गए यहाँ पे तो इसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अब आपको अगला वीडियो D29 B2 B3 का लाइव शो था।